सुशांत के केस में सीबीआई फुल एक्शन में नजर आ रही है, जहां सुशांत से जुड़े हर पहलुओं को फिर से खंगाला जा रहा है। कल यानी शनिवार को सीबीआई की टीम सुशांत के बांद्रा के ड्यूप्लेक्स फ्लैट पर पहुंची और करीब 6 घंटे तक छानबीन चली। सुशांत के सुसाइड वाले दिन यानी 14 जून को मौजूद रहे उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक दिवेश सावन और नीरज को भी बुलाया गया। इसके बाद घटना वाले सीन को रिक्रिएट किया गया। ये समझने की कोशिश की गई कि सुशांत के आखिरी दिन आखिर क्या हुआ था। करीब 2 दर्जन फॉरेंसिक एक्सपर्ट और सीबीआई के 7 से 8 अधिकारी इस कमरे की जांच कर रहे थे जहां सुशांत ने सुसाइड किया था। वहां उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई जो सुशांत की मौत की कहानी में सामने आए हैं। इस पूरे प्रोसेस की वीडियो भी बनाई गई। सीबीआई ने पूरे घर का मुआयना भी किया। करीब 9 बजे सीबीआई की टीम सुशांत के फ्लैट से बाहर निकली, जहां उनके साथ सिद्धार्थ पिठानी, दिवेश सावंत और नीरज भी मौजूद थे, जिन्हें लेकर सीबीआई डीआरडीओ के ऑफिस पहुंची थी। इसके अलावा सीबीआई की एक टीम कूपर अस्पताल भी पहुंची, जहां सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट की जानकारी ली गई और 3 डॉक्टरों से सवाल जवाब भी किए गए। वहीं सुशांत की मौत के बाद उनके घर पहुंचने वाले मोहम्मद रफीक, जो कि चाबी बनाते हैं, सीबीआई ने उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया था। रफीक ने बताया कि 14 जून की दोपहर उनके पास फोन आया था कि दरवाजा बंद हो गया है और उन्हें तुरंत आकर लॉक खोलना है। रफीक ने इसे खोलने के लिए 2000 रुपए भी लिए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रफीक ने कहा कि फोन करने वाले सिद्धार्थ पिठानी ने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि कमरे में कोई सो रहा है और दरवाजा नहीं खुल रहा। उन्होंने बताया कि जब वे घर पहुंचे तो घर पर 3 से 4 लोग मौजूद थे, सभी रिलैक्स थे, किसी के चेहरे पर कोई परेशानी, कोई तनाव नजर नहीं आ रहा था। काम होने के बाद उन्होंने दरवाजा खोल कर भी नहीं देखा। रफीक ने कहा कि वो सीबीआई का पूरा सहयोग करेंगे। सुशांत के रूममेट रहे सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज सिंह से सीबीआई आज भी पूछताछ कर रही है। दोनों से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सवाल जवाब हो रहा है। सीबीआई की टीम वहीं रुकी हुई है। नीरज से लगातार 3रे दिन और पिठानी से लगातार 2रे दिन पूछताछ जारी है। सुशांत के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने शनिवार को खुलासा किया कि सुशांत के घर की लाइट आमतौर पर सुबह 4 बजे तक जली रहती थी, लेकिन 13 जून की रात 10 बजे से 11 के बीच बंद हो गई थी और उस रात कोई पार्टी नहीं हुई थी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि रिया चक्रवर्ती से भी सीबीआई आज पूछताछ कर सकती है। अब यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर सुशांत की मौत का क्या रहस्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्यदेव।